इस वर्ष 18 सितंबर को निकाला जाएगा ईद मिलादुन नबी का जुलूस। हजरत मोइन मियां किबला का ऐलान। रजा एकेडमी शाखा भिवंडी द्वारा ही भिवंडी में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाएगा। शनिवार 7 सितंबर को खिलाफत हाउस मुंबई में महाराष्ट्र की सभी समितियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी जुलूस के जिम्मेदारान मौजूद थे, जहां कायदे मिल्लत पीर तरीकत आले रसूल औलाद मखदूम समना हजरत सैयद मोइन अशरफ साहब किबला ने सभी समितियों से 18 सितंबर को ईद मिलादुन नबी जुलूस निकालने का ऐलान किया है। मोइने मिल्लत की घोषणा के मुताबिक अब महाराष्ट्र के सभी जगहों पर ईद मिलादुन नबी के जुलूस 18 सितंबर को निकाले जाएंगे। बता दें कि इन दिनों गणपति का त्यौहार भी चल रहा है। 17 सितंबर को विसर्जन का दिन है, इसलिए कोई तनाव ना हो और विवाद की आशंका ना हो, इसलिए जुलूस के जिम्मेदारों ने इस बैठक में 18 सितंबर को जुलूस निकालने की घोषणा की है। उसी दिन महाराष्ट्र सरकार से मिलकर सरकारी छुट्टी का भी अनुरोध किया जाएगा। बैठक के बाद रजा एकेडमी शाखा भिवंडी के सदस्य और उलमाए अहले सुन्नत भिवंडी संगठन के सदस्य हुजूर मोइन मियां मिल्लत के निवास स्थान पर उनसे मुलाकात की, जहां हुजूर मोइन मिल्लत ने भिवंडी के बारे में अपनी जबान से घोषणा की है कि भिवंडी में जुलूस रजा एकेडमी शाखा भिवंडी के द्वारा वो लोग निकालेंगे जिन्हें मुजाहिद अहले सुन्नत कायदे मिल्लत अलहज मोहम्मद सईद नूरी साहब ने एकेडमी का भिवंडी शाखा का जिम्मेदार बनाया है, जबकि अलहज मोहम्मद सईद नूरी साहब ने भिवंडी रजा एकेडमी का गठन कर पदाधिकारियों के नामों की घोषणा करते हुए भिवंडी अध्यक्ष के रूप में आवेश सरवर कुरैसी और मोहम्मद अकरम मोहम्मद इब्राहिम मोमिन मोहम्मद अजीम अब्दुल हमीद कुरैसी सद्दाम इम्तियाज कुरैसी एडवोकेट मनाल सगीर अंसारी और वकार मोमिन सहित कुल 7 लोगों को भिवंडी शाखा का जिम्मेदार बनाया है। हजरत मोइन मिल्लत ने भिवंडी जुलूस का नेतृत्व करने के लिए जालना की खानका हजरत सैयद अहमद शेर सवार रहमतुल्ला अलैह के उत्तराधिकारी हजरत सैयद जमील साहब जानी मियां को चुना है। इस तरह भिवंडी में जुलूस कौन निकालेगा, इसका संकोच अब खत्म हो गया है, इसलिए आप निष्ठापूर्वक भिवंडी की रजा एकेडमी और उल्मा विद्वानों को अपने कायद के निर्णय का सम्मान करते हुए जुलूस निकालना चाहिए और किसी भी प्रकार के कला से बचना चाहिए। देखिए भिवंडी एक्सप्रेस से वसीम खान की खास रिपोर्ट। जश्न विलादत रसूल जो है वो जुलूस की शक्ल में निकाला जाएगा। 18 सितंबर की तारीख ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने तय की है उलमा अइम्मा के इत्तेफाक के साथ। यहाँ बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं, जिसमें थाना मुमरा भिवंडी मालेगांव धुलिया नासिक बहुत पूना न्यू मुंबई बहुत सारे लोग जो जुलूस जहाँ जहाँ से निकालते हैं विक्रोली वो सारे लोग यहाँ आए हैं। सबने इत्तेफाक किया है कि हमको महाराष्ट्र में अमन अमान कायम रखना है और हम खुद अपना जुलूस जो है वो 2 दिन आगे बढ़ा रहे हैं। गणपति विसर्जन है, इसके लिए जो है इस जुलूस को जो है वो 17 के बजाय 16 के बजाय 18 को कर दिया गया। देखिए ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की मीटिंग रहती है, अब 2 दिन बाद जो है पुलिस इंतजामिया की मीटिंग रहती है, उसमें और भी दीगर कौमों के लोग शरीक होते हैं। नहीं, हमने कौमी यकजहती की बात की है तो ये सब से देखिए आज तारीख तय करने की बात थी कि आपस में वो तमाम कमेटियां जो जुलूस निकालती हैं वो एक जगह बैठ के तारीख को तय कर लें। मंत्री से मिल के सारे जिम्मेदारों के साथ जो है वो 18 तारीख को हॉलीडे के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अल्लाह अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करके मनाया जाए, गरीबों जरूरतमंदों परेशान हालों की मदद करके मनाया जाए। देखिए आज यहाँ पर सुन्नी जमात उलमा के सदर और पूरी कमेटी यहाँ पर मौजूद थी। थाना से भिवंडी से पनवेल से नई मुंबई से पूना से कल्याण से सब लोग आए थे। उलमा इकराम ने फैसला किया है कि इंशाल्लाह जुलूस 18 तारीख को निकाला जाएगा, क्योंकि जुलूस में पूरे महाराष्ट्र के लोग शामिल होते हैं अलग अलग जगह पे। तो छुट्टी जो डिक्लेयर की गई उसके अलावा 18 तारीख को बैंक हॉलीडे डिक्लेयर होना चाहिए, छुट्टी डिक्लेयर होना चाहिए। हजरत मोइन अशरफ साहब की क़यादत में सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हर पार्टी के जो लीडर है और उलमा इकराम और खिलाफत कमेटी के मैनेजिंग ट्रस्टी चेयरमैन सल्फाज आरजू साहब ये जो मोतबर जो लोग हैं उलमा इकराम उनके साथ में एक वफ जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलेगा और उनको दरख्वास्त करेगा कि इस बड़े मौके को ध्यान में रखते हुए 18 तारीख को जिस दिन जुलूस निकलना उलमा इकराम ने तय किया उस दिन बैंक हॉलीडे डिक्लेयर करें। आदमी हर ये जो जुलूस है ये किसी एक आदमी का नहीं है, ये उम्मत रसूल का जुलूस है। ये हर मुसलमान छोटे से बड़ा अपनी तरह से उसमें हिस्सा लेता है
और छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी अपने तरह से इसमें काम करता है। मुंबई महानगर पालिका का जो फंड है, खिलाफत कमेटी की दो मीटिंग हुई है बी वार्ड और ई वार्ड में, उसमें तय किया गया है कि किस तरह से जुलूस का स्वागत हो। और ये तो नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है, इसमें हम और हमारी पूरी बिरादरी, जो कौम है, जो मुसलमान है, जो नबी को मानता है, जो अल्लाह को मानता है, वो अपने तरफ से उसमें शामिल होंगे, इस जुलूस की रौनक को बढ़ाएगा। इसी तरह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शान और शौकत के साथ में खिलाफत कमेटी से निकल के हज हाउस की तरफ से होते हुए फिर से चौकी मोहल्ले में जैसे ख़त्म होता है मस्तान तालाब मैदान पे, वहाँ पे ख़त्म होगा। उसका रूट हर साल की तरह तय है, पहले जलसा होगा खिलाफत कमेटी के अंदर, अपने उलमाए इकराम और जो चीफ गेस्ट है वो वहाँ पर आएंगे, उसके बाद में तकरीर देंगे। एक मैसेज जो नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जो मैसेज है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, जो भाईचारा है, जो एकता है, वो मैसेज वहाँ से देके उसके बाद में एक शानदार ऐतिहासिक जुलूस में वो कन्वर्ट हो जाएगा।